الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جماعت ثانی شریف دا ماہ مکرم دا الحمدللہ آغاز اس ماہ مکرم نو نسبت حضور تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین افضل الخلق بعد الانبیاء حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے وصال پاک دے نال آپ دے ذکر پاک دی برکت حاصل کرن واسطے اسی اج حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی حیات طیبہ اور سیرت نبوی دا ایک اہم واقعہ ہجرت مدینہ اور ہجرت مدینہ طیبہ دے اندر کردار ابو بکر صدیق ادھے تے انشاءاللہ گفتگو دا آغاز کرانگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو اعلان نبوت فرمایا
मक्कतुल मुकरमा के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम दे कलमा पढ़ने वाले गरीब लोग ने हजरत बिलाल हबशी हजरत सुहेब रूमी हजरत अम्मार बिन यासिर हजरत बीबी सुमैया रदी अल्लाह तआला अन्हुम वर्गे गरीब सहाबा नबी करीम अलैहिस्सलाम दे गुलामत मक्कतुल मुकरमा विच अबू जहल और उसकी सारी टीम ने उतबा उतैबा रबिया सारे काफिराने सारे और हर तरह के जुल्मों से तम दे पहाड़ तोड़ देते। नबी करीम अलैहिस्सलाम हबशा की तरफ अपने गुलामों को पहली हिजरत वास्ते भेजिया। हबशा के बादशाह नजाशी ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों नाल बड़ा प्यार किया। हजूर अली सलाम की निगाह नबूवत निगाह रहमत ने सहाबा के बाद जी बेहतरीन पनागाह देखी वो यसरब जिन्हों मदीना तैयबा किया जा रहा है। निगाह नबूवत ने इस इलाके का इंतखाब किया। कुदरत ने भी इस इलाके का इंतखाब कर लिया कि इन्हों इस्लाम का मरकज बनाया जाए। अपने महल वकूद एतबार नाल और अपने कबायली निजाम के हवाले नाल मदीना तैयबा एक बेहतरीन जगह सी कि जिथे बैठ के नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने दुश्मनों का मुकाबला भी कर सकते सन और इस्लाम की तबलीग और इस्लाम के पैगाम को बेहतरीन तरीके नाल लोगों तक पहुँचा सकते सन। ग्रामी कदर हजरात इब्तिदा विच तकरीबन 12 लोग मदीना तैयबा तो हज करन मक्के आए। नबी करीम अलैहिस्सलाम दा पैगाम सुनिया मुसलमान होके सहाबी रसूल दा शरफ लैके मदीना तैयबा गए। अगले साल हज करन आए। अर्ज की या रसूल अल्लाह साडे नाल कोई सहाबी रसूल भेजो जिहड़े तुहाडे तरबियत याफ्ता होवन पर मदीना तैयबा दे लोगों ने इस्लाम की तबलीग कर। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इंतखाब किया हजरत मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह तआला अन्हु दा। मुसअब बिन उमैर जिहड़ा इंतहाई हसीन नौजवान है अपने कबीले का शहजादा है जिहड़ा जिंदगी च एक सूट पहन लवे दूसरी मरतबा नहीं सी पहनदा पर जदों निगाह मुस्तफा पै गई तो कायनात दे विच उहदे वर्गा फकीर ही कोई नहीं। हसीन इतना कि उहदी सूरत मेरे नबी दे नाल मिलदी सी। निगाह मुस्तफा ने उहदा इंतखाब कर लिया। हजरत मूसा बिन उमैर रदी अल्लाह तआला अन्हु वर्गे जीरक और समझदार इंसान नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मदीना तैयबा भेजिया। इन्हें तबलीग की थी। मदीना दे मशहूर कबीले औस और खजरज इन्हें दोनों कबाइल ने आप दे हत्थां ते इस्लाम कबूल कर लिया। हुण मदीना तैयबा दे लोग जदों हर साल हज करन मक्के आंदे ने क्योंकि हज दौरे जाहिलियत दे अंदर भी होंदा सी हर साल तादाद ज्यादा तो ज्यादा मदीना शरीफ आ रही। इन्हां मदीने वाले जदों वेख्या कि मक्के दे अंदर साढ़े मुसलमान भाइयों ते जुल्म ते सितम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते बड़े जुल्म किते जा रहे। इन्हां ने अर्ज की या रसूल अल्लाह तुसीं कदे मदीने आ जाओ ना असीं तुहाडा दिफा करांगे। निगाह मुस्तफा ने भी इंतखाब कर लिया। अल्लाह करीम का इंतखाब भी मदीना तैयबा सी क्योंकि अपनी जोग्राफियाती हदां के हवाले नाल भी मदीना तैयबा एक बड़ी महफूज जगह सी। दो तरफ पहाड़ी सिलसिला एक तरफ जंगल तीन साइड तू तो बिल्कुल मदीना तैयबा अपने हर दुश्मन तो महफूज सी। एक साइड बाकी सी उहदा दिफा करना आसान सी। नबी करीम ने इस इलाके का इंतखाब कर लिया। हजूर अले सलात सलाम ने हुक्म फरमाया कि सहाबा हौले हौले तुसी मदीना तैयबा वाले हिजरत कर जाओ। पहले सहाबी जिन्होंने मदीना तैयबा वाले हिजरत की उन्हों का नाम हजरत आमिर बिन रबिया रदी अल्लाह तआला अन्हु है और आखिरी सहाबी जिन्हें मक्के तो मदीने हिजरत की थी उन्होंने नाम हजरत मौला अली अल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला। नबी करीम ने हुक्म फरमाया कि आहिस्ता आहिस्ता तुसी सारे सहाबा हुण मदीना तैयबा वल जाना शुरू हो जाओ।
जिस सहाबी नु मौका मिलता है मक्का छोड़ देने ते मदीना तैयबा चले जाते ने। मदीना तैयबा वाले अपने हर मुसलमान भाई दा रज के इस्तकबाल कर देने। ग्रामी कदर हजरात लोग छुप छुपा के मदीने वाले जा रहे, मगर जदों आई ना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दी वारी, आपने अपने सारे जिस्म अकदस के उत्ते जंगी सामान लदिया, तलवार पकड़ी, नेजा पकड़िया, भाला ते ढाल पकड़ी, आगे बैतुल्ला शरीफ के अंदर काबे का तवाफ किया। मक्के दे काफिर अपनिया मीटिंगां अपनिया दावतां काबे दे बेड़े च सजा के बैठे। हजरत उमर फारूक ने जदों काबे का तवाफ कर लिया तो काफिरां दे एक एक ग्रोह विच आप टुर के गए ते फरमान लगे, मैं चलिया हिजरत करके मदीने, जे किसी ने अपनी मां का पुत्र मारना है, अपनी बीवी बेवा करनी है, बच्चे यतीम करने ने, ते ओ पहाड़ी दे पिछे आ जावे। आवे को उमर नो रोक के बखावे, मैं मक्का छड़ के मदीने जा रहा। किसी काफिर की जरूरत ही नहीं कि उठ के उमर फारूक नो रोक सके। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो ने इस जुर्रत बहादुरी दे नाल हिजरत फरमाई। हुण मक्कातुल मुकर्रमा दे अंदर चंद अफराद रह गए, बाकी सारे सहाबा हौले हौले मदीना तैयबा पहुंच गए। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु बार बार नबी पाक दी बारगाह च अर्ज करदे ने, या रसूल अल्लाह इजाजत होवे ते मैं भी मदीने टुर जावां। ते हुजूर अलैहि सलाम बार बार इरशाद फरमांदे ने, अबू बकर ठहर जाओ, हो सकदा अल्लाह तुहानू कोई सोहणा जिहा साथी अता कर देवे। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु आपने हिजरत मदीना तो चार महीने पहले दो ऊंटनियां खरीदियां। कितनी देर पहले? मेरा ख्याल है तुसी बोल सकते हो, चार महीने पहले दो ऊंटनियां हिजरत की गर्ज ना खरीदियां। हुण सोचण वाली बात है, वे दो ही क्यों खरीदियां? चार महीने पहले क्यों खरीदियां? हजूर ने तो फरमाया सी कि अबू बकर हो सकता है कि तेनू साथी मिल जाए। और मैं सीरत दी किताबां च पढ़िया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अपनियां सारियां ऊंटनियां नू अपने सारे इज्जत नू चरण वास्ते भेज देंदे ने। इन्हां दो ऊंटनियां नू आप बिल्कुल बाहर नहीं घरों निकलन देंदे, हर वेले तैयार रखदे ने, स्टैंड बाई हर वेले। क्यों? जे किधरे हजूर ने फरमा दिता कि अबू बकर हिजरत करनी है तो हूँ ही करनी है, तो मैं ये भी ना आखा कमली वाले ऊंटनी चरण वास्ते गई ने वापस आन गई तो जावे, ना ही बुलावे तो किधरे लेट ना हो जावा। ग्रामी कदर हजरात, मैं सिर्फ तुहानू हिजरत मदीना च किरदार सिद्दीक अर्ज करना है, वरना मुकम्मल वाक्य अर्ज करा तो यह तो बड़ी तबालत है। चार महीने पहले दो ऊंटनियां तैयार करके रख लिया। इधर नबी करीम अलैहि सलातो सलाम की तैयारी है, उधर काफिर भी एक तैयारी कर ली। उन्होंने वेखिया कि हुन मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर मुसलमान बड़े थोड़े सारे रह गए। काफिर ने प्लानिंग की कि हुन मुसलमान चुके थोड़े ने, हुन सानू अपने काम करने च आसानी हो जाएगी, असी नबी करीम अलैहि सलातो सलाम नु माज़ अल्लाह कतल कर देंगे। गिरामी कदर हजरात, काफिर रोजाना रात में जिहड़ी जगह मीटिंग करते हैं उन्हें दारुन निदवा किया जाता है। कुसई बिन किलाब का घर है जिन्हों दारुन निदवा किया जाता है, तारीख की कुतुब में उन्हें दारुन निदवा किया गया। रोजाना रात नु बैठ के इत्थे काफिर अपनी मीटिंग कर दे, इतनी राजदारी दे नाल मीटिंग की जा रही कि उत्थे उसूल रखा गया कि 40 साल की उम्र तो छोटा बंदा उस मीटिंग च नहीं बैठ सकता। हर कबीले का सरदार तकरीबन 12 तादाद सीरत निगारा लिखी कि 12 सरदार रोजाना रात में इत्थे बैठ के इस्लाम के खिलाफ साजिश करते। इतने साजिश तैयार की गई कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी तरीके कत्ल कर देंगे। एक रात रखी गई कि वह फलां रात सारे इकट्ठे हो जाओ, मक्के च किसी को खबर ना हो।
ग्रामी कदर हजरात 40 साल तो छोटी उम्र का बंदा दाखिल नहीं हो सकता, मगर एक बंदा ऐसा है जिनकी उम्र भी 40 साल नहीं, छोटा है, नौजवान है, मगर उन्होंने स्पेशल इस मीटिंग च बुलाया गया क्योंकि इस्लाम का इतना बड़ा दुश्मन होर कोई नहीं जितना वो नौजवान दुश्मन है। उसका नाम है अमर बिन हशाम अल मारूफ अबू जहल, है जवान है मगर इस्लाम की दुश्मनी की वजह तो इन बड़े बड़े सरदारा ने आप बुलाया कि तू इस मीटिंग जाते तेरा मशवरा भी दरकार है। गिरामी कदर हजरात 12 सरदार बैठ गए, मशवरा हो रहा कि असी इस्लाम के खिलाफ केड़ा कम करिए कि इस्लाम का दरवाजा हमेशा आवाज से बंद हो जाए। सारे हरबे इस्तेमाल करके वेख ले, इस्लाम दिन ब दिन भरता ही लगा जा रहा है। मीटिंग करने वास्ते बैठे थे, अचानक दार निदवा दा दरवाजा खटकिया, पूछे कौन? बारो आवाज आई कि तुहाडा खैर खा आया, मैं एक मशवरा देने आया। बड़ी एहतियात ने दरवाजा खोलिया गया, अगे एक बुजुर्ग पूछे कौन? कह लगा मैं शेखे नजदी हाँ, नजद चो आया, मैं भी इस्लाम के खिलाफ हाँ, मैं तुहानू तो बेहतर मशवरा देवन आया। मैं पता तुम इस्लाम के खिलाफ मीटिंग करने वास्ते बैठ गए हो। असल में शेख नजदी शैतान से इंसान की शक्ल लेके आया, आके बैठ गया, कह लगा अपना अपना मशवरा दो। इन्हें सारे ने शैतान की सदारत अंदर इस मीटिंग शुरू कर लिया। हुण गिरामी कदर हजरात ये मीटिंग का सारा प्रोग्राम बड़ी एहतियात नाल कीता जा रहा कि कन्नो कन मक्के च किसे नूं खबर ना होवे, पर अल्लाह मुल्क गयूब नूं खबर हो गई। इधर मीटिंग पे कर देने, उधर अल्लाह अपने महबूब ते कुरान पे नाजल कर दे। हुण पढ़िए कुरान, थोड़ा जा हौला बोलो, बार आवाज नहीं जानी चाहिए भाई। ए अब्दुल्ला रिजवी साहब, ए नकीब साहब, बूटा साहब, पाकिस्तान के बेहतरीन तीन नकीब थे माशाल्लाह मेरे सामने बैठे हैं। ते ए बड़े डाढ़े होंगे ने नकीब, ये हर महफले च इन्होंने बई दसना होंगे लोगों को कि फलां जगह गए तो आ होया, तो फलां जगह गए तो आ होया। तो इन्हें आखना जो सियालकोट गए सना तो आसी साहब को सियालकोट वाले कोई नहीं बोलते, ये हूँ तुहाडी भी इज्जत का मामला, रोंद नहीं मारना, अपने अपने हिस्से का बुल के जाना। सुभान अल्लाह, जिन्हों तौफीक है वह हाथ चुके बोले सुभान अल्लाह, जिन्हों तौफीक नहीं नाल दा बंदा उन्हों थोड़ा जिहा सहारा कराओ ते हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। सुनिए कुरान, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, भाई दिया मुकरु भी कल्लदीन कफरू फरमाया कमनी वाले आओ, काफिर तेरे खिलाफ साजिश पे कर देने। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, एक उठ के खलो के कहने लगा कि मुहम्मद नु कैद कर दिए, उन्हें कैदी बना लिए। कह लगा युसबी तू, कह लगा मुहम्मद नु कैदी बना दियो, उन्हें दा खाना पीना भी बंद कर दियो, थोड़े दिन दे बाद उन्हें दी कैद विच ही मौत हो जाएगी, इस्लाम दा दरवाजा आप ही बंद हो जाएगा। नौजवान शैतान कह लगा बैठ जाओ, कह लगा तेरा मशवरा बड़ा गलत है। उन्हें पूछा किवें गलत है? शैतान शेखे नजदी कहन लगा, मुहम्मद नौकर ते उहदे साहब आ, उहदे वुज़ू ते पानी दा कतरा जमीन ते नहीं डिगन
पता लग जाना है मुहम्मद अरबी कैद खाने के अंदर नहीं, उन्हें अपने खून बहा के नबी नू ले जाना है। काफिर कह लगे असि छुपा के रखा गे, किसी नू खबर नहीं होगी मुहम्मद नू किथे कैद किया है। शैतान कह लगा झल्ले बन गए हो, तुसी मुहम्मद नू किवें छुपा के रखना है। उते जड़ी गली च गुजर जावे अठ दिन खुशबूवां मुहम्मद दियां आउंदियां, जिथे उन्हें कैद होना है वो कोई जगह छुपी रह जानी है। हौला बोलो सुभान अल्लाह, वो कोई जगह छुपी रह जानी है जिथे मुहम्मद नू कैदी करना है। चलिए मियां मुहम्मद बख्श दे दरबार उते होर उचा बोलो सुभान अल्लाह। आरफे कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने सुखन बराउंदे ए सुखन मुहम्मद देन गवाही हालो जिस पल्ले फुल पत्ते होवन आवे खुशबू रुमालों। मियां साहब फरमाते ने जेड़े पल्ले विच फुल बधे होवन यानी उस कपड़े ते पल्ले दे विचों भी फुलां दी खुशबू आती है, ते जेड़े कमरे च मुहम्मद नू कैद करना उथों मुहम्मद दी खुशबू नहीं आउणी। कह लगा मशवरा गलत है तू बैठ जा। कह लगा कोई होर मशवरा दियो कि मुहम्मद दे नाल की करिए। हुण दूसरे मशवरा के दिता, एक उठ के कह लगा ओ यक्तुल्लाह। लगा मैं कहना कतल कर देने। शैतान कह लगा तू भी बैठ जाओ तेरा मशवरा भी गलत। एक कह लगा ओ युखरिजूक, उन्होंने असी अपने मुलक जो मुलक बदर कर देने। शैतान कह लगा तू भी बैठ जाओ तेरा मशवरा भी गलत। नौजवानों एक एक करके सारे मशवरे दे रहे। शैतान नु किसे दा मशवरा पसंद नहीं आ रहा। शैतान ने अबू जाल वाल इशारा किया, कह लगा तू सियाना लगना है मशवरा दे। अबू जाल है तेना चो नौजवान, उठ के खड़ा हो गया। अपनी इस्लाम दुश्मनी दी वजह तू मशहूर है। कह लगा मेरा मशवरा है बे, ना ते मुहम्मद नु कैदी बनाओ ना उन्हां नु मुल्क बदर करो। कह लगा मैं मशवरा ये देवांगा, अगर एक बंदे ने कतल किया सारे कुरैश वाले उस बंदे नु कतल कर देना है। इंज करो सारे कबीले अपना अपना एक सरदार बुलाओ, अपना एक पहलवान बुलाओ, ओदे हत्थां दे अंदर तलवार दो, मुहम्मद दे गर्दन मुआसरा कर लो। सारे कबीले वाले रल के हमले करो। नौजवान कहन लगा जे कुरैश नु पता लग गया किदे किदे कुल बदला लैन गए, जे उन्होंने दियत मंग ली सारे कबीले वाले दौलत कट्ठी करके कुरैश नु दे देवांगे। शैतान कहन लगा ए मशवरा ठीक, मैनू एदा मशवरा पसंद आया। नौजवान कुरान मजीद दे अंदर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया युरीदून लियुतफियु नूर अल्लाह बिअफवाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिहि वलौ करिहल काफिरून। परवरदिगार ने फरमाया ये चाहते ने फूका मार के असी अल्लाह का नूर बुझा दईए। फरमाया वल्लाहु मुतिम्मु नूरिहि, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह अपना नूर मुकम्मल करके रवेगा। मियां मुहम्मद बख्शे दा तर्जमा फरमाया आ फरमाते ने फूका मार बुझाया लोकां के नूर मुहम्मद वाला, पर नूर मुहम्मद कदे ना बुझसी ए वादा हक ताला।
گرامی فوکا مار بجایا لوکاں نور محمد والا پر نور محمد کدے نہ بج سی اے وعدہ حق تعالی واللہ یعصمک من الناس او جیدیاں راکھیاں رب کرے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جیدیاں راکھیاں تے حفاظتا رب آپ کرے ادھر کافر بیٹھ کے میٹنگ کر رہے کہ قتل کر دیں گے ابو جال دا مشورہ سارے نو پسند آیا کہنے لگا سارے قبیلے دا ایک ایک فرد لیاؤ محمد دی برادری کدے کدے کلو بدلہ لوے گی اگر ایک بندے قتل کیتا تے انہوں تے قتل کر دے بن گئے تے جے ساریاں برادریاں دے رل کے کٹ قبیلے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز اللہ علیہ یعظو باللہ نقل کفر کفر نباشد کہنے لگے قتل کر دے گئے تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والے کدے کدے کلو بدلہ لینگے لہٰذا سارے قبیلے والے اپنا ایک ایک فرد دے ہو گرامی قدر سات افراد دیتے گئے جنہیں چابو جال بھی شامل سی گرامی قدر حضرات اللہ نے ادھر اپنے محبوب نو اطلاع کر دیتی فرمائے ویم قرون ام مکر پہ کر دینے محبوبہ پر سونے تو فکر نہیں کرنی ویم قرون اللہ اللہ بھی تینوں بچان دیا تدبیران پہ کر دا ہے اسی بھی سونے ہاں میٹنگ کر رہے ہاں اسی بھی تینوں بچامہ دیا تدبیرہ کر رہے ہیں واللہ خیر الماکرین فرمایا اللہ بہترین تدبیرہ کرنے والا ہے اے بھی کر لیں تے اسی بھی پروگرام بنا لیں انہوں پڑھا قرآن میں نے توڑی سبحان اللہ درکار ہے میں نے پتا ہے میں گن کے اے بندے پیشلی مسجد چلے کے آئیں جنہیں سبحان اللہ اچھا بول دینے جڑے اگو کی والے ہو تے جڑے قرب و جوار تو ہوں دے نمہ 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 جمعہ پڑھن تے او بھی ماشاءاللہ ان سبحان اللہ کہنے سیکھ جاؤ بھائی تے جے لباں چو سبحان اللہ نہ نکلے نا تے اے نہ سمجھا جے میں بڑا چودری ہے تے میں نہیں ساں بولیا بس اے سمجھا جے کہ وضو کر کے بیٹھا ساں مسجد چو بیٹھا ساں ذکر بھی حضور دا سی محفل بھی پاک سی تے میرے کل کیڑا گناہ ہو گیا کہ رب نے منو سبحان اللہ دی توفیق کیوں نہیں دیتی آج انہوں توفیق کے ہاتھ چوکے اچھا بولے سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم ان کل نفس لما علیہا حافظ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ترجمہ کرامائنہ ساریاں آیتان دا میاں محمد بخش کھولو بولی جاؤ بولی جاؤ سبحان اللہ آر پہ کھڑی ہے دا ترجمہ کی میں کیتا آبی رشاد فرما دینے ہر دم روے او خیال میرے وچے اور نہیں کھجے سجدہ جس دیوے موت اے آپ جگاویں اکد کسے نو بجھدا نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا اللہ نے فرمایا سونیا تو فکر نہیں کرنی ویمکرون ویمکرون اللہ اوہ تے مکر پہ کر دینے کہیں ادھا ترجمہ کیتا مازاللہ مازاللہ علی یعظو باللہ نکلے کفر کفر نباشد اوہ نہ کہا ویمکرون ویمکرون اللہ اوہ بھی مکر پہ کر دینے تے اللہ بھی مکر پہ کر دائے خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے اعلیٰ حضرت نے عاشقاں والا ترجمہ کیتا فرما کہ درے لفظاں تو پلے کھانا کھا جایا جے ویمکرون دا مانا ہے اوہ مکر پہ کر دینے ویمکرون اللہ دا مانا ہے اللہ تینوں بچان دیاں تدبیران پہ کر دائے
मकर काफिर पे कर देने, अल्लाह ते तदबीरां कर दे। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, सोनिया अल्लाह बेहतरीन तदबीरां करने वाला है। ग्रामी कदर हजरात हुन रात नु प्रोग्राम बन गया कि असी हुन मुहासिरा करना। इधर नबी पाक नु खबर हो गई, अल्लाह ने फरमा दिता सोने तुसी तैयारी करो ते मदीना ते या बावल हिजरत कर जो। मेरे नबी ने बुलाया मौला अली नु, बुला के नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया अली जी सोने, फरमाया आओ वेख मेरे कमरे दी नुकरी चो गठड़ी है ना। जी या रसूल अल्लाह, फरमाया एक गठड़ी विच ना काफिरां दियां ते ना मक्के वालियां दियां अमानतां ने, ए अमानतां मैं तेरे सुपुर्द कर चलिया, ते आ मेरे बिस्तर ते सो जा, ते सवेरे अमानतां काफिरां दियां दे के ते मदीने आ जा, तीन दिन तू मदीने ठहरना। इन्ह तिना दिन के अंदर अमानत इन्ह काफिर दिया दे के ते मेरे पिछे तू मदीने आ जावी, अज मेरे बिस्तर ते सो जाओ। नौजवानों, मेरे करीम ने फरमा दी जदों रात नू सोवे ना ते इस तरह करके लेटी, जदों रात नू कंबल लवे ते इस तरह करके लवी, जदों करवट बदले ना इस तरह करके बदली, आका मिंज करी, आका मिंज करी, आका मिंज करी। मौला दी हाथ जोड़े अर्ज की कमली वालिया मैं कोई पहली बारी सौन लगा, इन्नी तलकीन पे कर दो ते सौना ही है ना, ते इन्नी तलकीन क्यों? फरमाया अली सौंदा ते रोज़ है पर अगे अपने बिस्तर ते सौना है, अज मुहम्मद दे बिस्तर ते सौना है। बार काफिर नगियां तलवारां लैके खड़े ने, इंज दा सौना ही कि सुत्ता अली होवे दिसदा नबी होवे, अज मेरे बिस्तर ते सौना ही। वाह अली तेरे नसीब तो सदके, अर्ज की कमली वाले मैं ते तुहाडे बिस्तर ते सौना ते तुसा कित्थे सौना है? फरमाया मैं सिद्दीक दी गोदी च सौना है, मैं अज सिद्दीक दी गोदी च सौना है। अली तू मेरे बिस्तर ते सौना है। हुण गिरामी कदर हजरात इत्थे इक तवज्जो दी बात है, मैं सीरत इक पहलू अर्ज करा। ओ जिहड़ी गठड़ी मेरे नबी दे हुजरे दे अंदर ओ नुक्कर च पई है, ओहदे च अमानतां ने, पर अमानतां किहदियां ने? देनियां किन्नू ने? मुसलमान ते सारे मदीने टुर गए, बाकी ते मक्के च हुण काफिर रह गए ना, दो चार मुसलमान रह गए ने बाकी। अमानतां किहदियां ने? अमानतां ने काफिरां दियां। कमली वालिया मदीने दे वालिया मैं तेरी अमानतदारी तू सदके ही जावां, वो जेड़े मुहासरा करके मेरे नबी दे मकान दा मेरे नबी नु मारन ते कतल करन आए ने ना, उन्हां दी अमानत मुहम्मद दे घर च उस वेले मौजूद ने। पता चलिया कि काफिरां ने भी आख्या दुश्मनी अपनी जगह पर है अमानतदार है, भाई मारन भी उसे नबी नु आए ने ते अमानत भी उसे नबी दे घर रखी आने। पढ़ा कुरान ओदी अमानतदारी ते, जदों कलमा नहीं पढ़िया उदों भी मेरे नबी नूं सादिक ते अमीन कहंदे ने, ते जिन्ना अबू जाल वर्गे सारी जिंदगी अबू लहब वर्गे नहीं पढ़िया कहंदे ओ भी कमली वाले नूं सादिक ते अमीन ने। पूरे मक्के च एक अमीन है, कितने याद रखिएगा, जदों हजरे असवद नसब करना सी ना काबे दी दीवार विच, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, एक कबीले का सरदार आके जी मैं बड़ा सरदार हाँ ये हजरे असवद काबे की दीवार च लगाना मेरा फर्ज है, दूसरा सरदार कहन लगा तू कौन होवे मैं लगावांगा मैं तेरे ना बड़ा सरदार हाँ मेरा कबीला बड़ा है, तीसरा कहन लगा मेरा कद ज्यादा बड़ा है, चौथा आखे मेरा हुसन ज्यादा है, एक आखे मेरे को दौलत ज्यादा है, ये मेरा हक है मैं काबे की दीवार च हजरे असवद नसब करा। ऐन वेला सी कि कई सदियां तक लड़ाई शुरू हो जाती, क्योंकि जेडे बकरी नु पानी पिलान तो लड़ाई शुरू कर देने ते सौ सौ साल चलती है, हुण ते काबे दा मसला सी। फैसला ए कीता गया कि जेड़ा सवेरे काबे च सब तो पहले दाखिल होवेगा
ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਸਵੇਰੇ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਚ ਬੈਠੇ। ਜਦੋਂ ਮੱਕੀ ਆਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਬੇ ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਬੋਲਿਆ। ਸੀਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਮੱਕੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਾਬੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਚ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਲਗਾਉਣਾ ਅਮੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਆਖਿਆ? ਅਮੀਨ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਅਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਮਾਨਤਦਾਰ। ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਮਾਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਪੂਰੇ ਮੱਕੇ ਚ ਇੱਕ ਅਮੀਨ ਵਸਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਮੀਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਮਾਨਤਦਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਐਸੀ ਗੰਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਸੀ ਉਸ ਮਾਹੌਲ, ਕੁਫਰ ਦੀ, ਗਲਾਜ਼ਤ ਦੀ, ਗੰਦਗੀ ਦੀ, ਕਿ ਅਮੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਸਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਅਮੀਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਤੀਨੀ ਵਜ਼ੈਤੂਨੀ ਵਤੂਰਸੀਨੀ ਨਵਹਾਜ਼ਲ ਬਲਦਿਲ ਅਮੀਨ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅਮੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮੀਨ ਵਸਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੱਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਅਮੀਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਹਾਜ਼ਲ ਬਲਦਿਲ ਅਮੀਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅਮੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਸਮ, ਵਸਦਾ ਇੱਕ ਅਮੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਅਮਾਨਤਦਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨਬੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਕਤਲ ਵੀ ਉਸੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਸੀਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਉਮਤ ਨੂੰ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਮੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਚ ਖਿਆਨਤ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਅਮਾਨਤ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਮਾਨਤ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਾਂ, ਬਹਿਣ, ਬੇਟੀ, ਬੀਵੀ, ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਸਾਕ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਹਮਸਾਏ, ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚ ਵੀ ਅਮਾਨਤ ਦੀ ਖਿਆਨਤ ਨਾ ਕਰੀ। ਅਮਾਨਤ ਚ ਖਿਆਨਤ ਨਾ ਕਰੀ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਚ ਵੀ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਚ ਵੀ ਅਮਾਨਤ ਦੀ ਖਿਆਨਤ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਧਰੇ ਖਲੂਸ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਚ ਵੀ ਖਿਆਨਤ ਨਾ ਕਰੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸਬਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ, ਇਤਨਾ ਨਾ ਗਿਰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚ ਖਿਆਨਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਲ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਨੇ ਫਰਮਾ ਲਿਆ ਸਵੇਰੇ ਅਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਕਾਫਿਰ ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਨਾ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਸੱਤ ਅਫਰਾਦ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁਹਾਸਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਬੀ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ। ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਢਲੇਗੀ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਮਾਜ਼ਾਲਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਦੇ ਰੌਲੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਧਰ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਔਰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਫਰਮਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਸੋ ਜਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਨਵਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਜੁਮੇ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਿਜਰਤ ਮਦੀਨਾ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਉਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਹਿਜਰਤ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇ ਖਤਰਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮੁਹਾਸਰਾ ਕਰਕੇ ਖੜੇ, ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਸੌਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਮਲਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਤਰਾ ਬੜਾ ਸੀ ਨਾ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਤ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਉਹ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਤ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਸਾਂ। ਇੱਥੇ ਸੁਬਾਨ ਅੱਲਾ ਬਣਦੀ ਸੀ ਵੈਸੇ ਨਾ, ਉੱਚਾ ਹੋਰ ਬੋਲੋ ਸੁਬਾਨ ਅੱਲਾ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੇਟਿਆ ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਉੱਠ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ, ਕਿਧਰੇ ਮੌਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਠ ਅਲੀ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਲੇਟਣਾ ਮੌਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਣਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਿਰਫ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਿਜਰਤ ਦੀ ਰਾਤ ਖਤਰਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਜਾਗਣ ਦੀ ਸੀ,
फरमाया सारी जिंदगी दिया राता मैं जाग के मुसल्ले ते गुजारिया ने हिजरा दी रात मैं रज के मिठी नींद सुता रहा हूं अर्ज की सोने सारिया रात एडा खतरा कोई नहीं आई ते रात जागन दी सी मौला अली ने फरमाया हर रात खतरा सी किधरे मर ना जावा उठ के अल्लाह दी याद शुरू कर देनी पर जदू नबी ने फरमाया सवेरे अमान पे के मदीने आ जाई मैं आख्या अली अज सा जा अज मौत नहीं आनी क्योंकि नबी ने आख्या देख के मदीने आ जाई हूं जब तक मदीने ना जावा अली नु मौत भी नहीं मार सकती सुभान अल्लाह वाह अली तेरे ईमान तू सदके फरमाया आज एक रात सी जड़ी मिठी नींद सुता हुन मौला अली लेट गए नबी दे बिस्तर ते अगली प्रीत की गल सुनावा साहिब सीरत हलबिया ने लिखिया कि अल्लाह करीम ने जिबरील ते मीकाईल नु उस वेले बुलाया साहबे मारज नबुआ हजरत अल्लामा मुल्ला मोइनुद्दीन काश्मीर रहमतुल्लाह अलैह भी लिखिया अल्लाह ने मीकाईल ते जिब्राईल नु बुला के फरमाया कि मैं अजल दे दिन जदों तुहानू बनाया मैं तुहानू दोवां नू एक दूजे दा वीर बनाया सी जे अज मैं कहा कि तुहाडे चो एक दी मौत दा वेला आ गया ते दसो तुहाडे चो कौन जिहड़ा अपने वीर तो अपनी जान कुर्बान करे मरना एक ने में दुआ विचू या जिबरील ते या मीकाईल फैसला करो किन्ने मरना है दोवें भाई हो जिबरील कहन लगा जी मैं ते नहीं मरना ते मीकाईल कहन लगा जी मां भी इरादा मेरा भी अजे कोई नहीं अल्लाह ने फरमाया एक दी मौत अगर आखा के वेला आ गया कौन मरेगा दोनों मुकर गए कहन लगे असां ते नहीं मरना इरादा ही कोई नहीं अजे अल्लाह री रिजा फरमा तुसी भी दोवें वीर एक दूजे तो अपनी जान कुर्बान नहीं करना चाहते ओ जमीन वल मक्के दी जमीन ते वेखो अली नबी दा वीर वेखो अली नबी दा वीर अज नबी दे बिस्तर ते सौ के अली अपनी जान मोहम्मद कुर्बान की बैठा जे अल्लाह ने फरमाया जे तुसा ते नहीं मरना ते जाओ जाके अज अली दिया राखियां करो साधे सीरे ते हलबिया ने लिखिया जिबरील आके अली दे सराने खलो गए मीकाईल पवां दी खलो गए सारी रात दोवें फरिश्ते अली नूं हवा देंदे रहे ते जिबरील कहंदे रहे अली सौ जा अली सौ जा अली सौ जा तू जमीन ते सुता है रब अरशा ते तेरे ते फखर पिया करदा सुभान अल्लाह सौजा अली रब फरिश्तियां च अरशां ते तेरे ते फखर पिया करदा सुभान अल्लाह आ हा हा फरिश्ते हवा देंदे होण नहीं बोले सुभान अल्लाह ते नींद किन्नी कु मिठी आई होवेगी अली नु फिर जिन्हों हवा फरिश्ते दे के सुलांदे होवन अली दे अली नबी दे बिस्तर ते लेटे जिबरील ते मीकाईल सरानी ते पवांदी खलो के हिफाजतों पे कर दे इन कुल नफ्स लम्मा अलैहा हाफिज मुहाफिज आ गए ना पहरेदार आ गए ना अली दे भी हुन नबी दे बिस्तर ते अली लेट गए फरमाया अमानता दे के आ जे इधर हुन नबी करीम दा प्रोग्राम है कि मैं हुन बाहर निकला घर विचों तलवारां लैके काफिर दायरा बना के मेरे नबी दे इर्द गिर्द घर दे खड़े ने उन्हां दे ते अकल ते समझ ते फहम ते शऊर ते इदराक ते सोच विच भी नहीं ना कि हजूर ने गुजर जाना इतना सख्त पैरा होवे ते गुजरे कौन पर जदों ओ बचावन ते आवे
उते फिर अबा बीला कोलो हाथी मरवा लैंदा ना, उते मच्छर कोलो नमरूद मरवा लैंदा है, उते जदों कम लैवां ते आवे छोटी मखलूक कोलो वड्डे वड्डे कम लै लैंदा है जदों ओ तदबीरां करे। हुण अल्लाह दी कुदरत दी तदबीर है वे कि मैं अपने महबूब ने नकाफरां दे विच्चों गुजार के लै जाणा है। ओ तलवारां लैके खड़े ने सारयां दी निगाहां दा मरकज बिस्तरे मुस्तफा है, सारयां दी निगाहां दा मरकज दरवाजा मुस्तफा है। गिरामी कदर हजरात नबी ने अली नूं सुलाया, जिम्मेदारियां लगाईयां, हुण मेरे नबी बाहर निकलन लगे। इत्थे दो परीदियां हुण फिर गल आ गईयां। इस तरह मेरे नबी जदों अपने हुजरे दा दरवाजा खोलिया ना, मैं बाज़ किताबां च पढ़िया कि हजूर जदों दरवाजा खोलिया ना ते नबी पाक दे दरवाजे दे बाहर चौखट दे नाल हजूर ने वेख्या कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ना ए मेरे वल वेख्या जी, इस तरह करके ना हजूर दी चौखट दे सामने गठड़ी रखी, सामने बूटा जी इस तरह गठड़ी सामने रखी, ते हजरत अबू बकर सिद्दीक हजूर दे चौखट दीवार दे नाल लाके ना दरवाजे नाल ते इस तरह बैठे। सुभान अल्लाह, घर जाके जरूर बोलियो है, हाथ भी नहीं चुकना मत किधरे कोई शहीदी ना हो जाए। जिन्हें नहीं सुभान अल्लाह पहनी वो बाहर बैठा करे तो कोई सुभान अल्लाह वाला बंदा अंदर आ जाए करे। हैं भाई ऐसा करके बैठे अखियां बंद। हुण नबी करीम ने ना जब दरवाजा खोलिया तो इस तरह अब्दुल्ला वाला हाथ सिद्दीक दे मोढ़े ते ना हौले हौले मेरे नबी रख के ना जब सिद्दीक दी निगाह मुस्तफा ते पई उठ के खड़े हो गए। जी लजपाल हजूर फरमा तुसी इत्थे किधर, रात दे इस वेले इत्थे किथे मेरे दरवाजे च क्यों बैठे। हुण जुमला सुनिया जे सारी जिंदगी याद आया तड़पदे ही रहोगे। फरमाए इत्थे किथे, अर्ज की थी कमली वालिया एक दिन मैं आके अर्ज की थी सोने आओ सारे साहब एक एक करके मदीने जा रहे नहीं, कमली वालिया मैनू इजाजत दे दे मैं भी मदीने हिजरत कर जावा। तुसा फरमासी अबू बकर यार तू ठहर जा, हो सकता है अल्लाह तेनू साथी को सोना जिया दे दे ते मेरे अंदरों आवाज आई मुहम्मद नालू सोना कौन हो सकता है। मैनू उस दिन समझ आ गई कि कमली वाले मैनू नाल लेके जाना है। कमली वाले यार मैनू ख्याल आया अबू बकर किधरे यार तेनू छड़ के ना टुर जाए, किधरे आवाज देन कि तू अपने घर ना आयो। मैं ओ दिन गया आज दी रात आई एक रात भी घर नहीं गुजारी सारियां तेरे बुए च बह के गुजारियां। सुभान अल्लाह ना भी बोलो, मैं ते लजर तलानी है क्योंकि मैं ते नक्शबंदी हाँ, मैं ते मुर्शिद का जिक्र कर रहा अपने दा, मैं ते अपने मुर्शिद सैयदना सिद्दीक अकबर का जिक्र कर रहा, मैं ते नक्शबंदी हाँ, मैं ते लजर तलानी है। आख्या वो दिन गया अज दी रात आई एक रात अपने घर नहीं गुजारी सोनिया सारिया तेरे बूहे अगे बह के गुजार दी जानी। वाह सिद्दीक तेरे इश्क रसूल तो सदके जावा, कायनात च जिहड़ा सब तो वड्डा इश्क रसूल है ना वो अबू बकर सिद्दीक है, जिहड़ा कायनात च सब तो वड्डा फनाफिर रसूल है वो अबू बकर सिद्दीक है। लो भाई वक्त मुक गया, अगले जुमे गल इथों शुरू होगी इंशाल्लाह, ते इंशाल्लाह हौले हौले फिर असीं मदीने जावांगे इक दिन। अल्लाह तबारक व तआला हाजरी कबूल फरमाए, आमीन। वाखिर दवाइया अनिल हमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।